नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे गांव में बहुत सी भिक्षा मिलने की संभावना थी। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसको भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी भी उसे राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो गया और उसे कहने लगा कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उस भीख के अंदर एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी बहुत तेज छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से वह दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाया करते थे, अब वो उसके समीप आने लगे। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।